हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रोजी, आज मैं आपको चने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बनाना बहुत आसान है, बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स। एक बार मेरे स्टाइल में ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी कोई भी नई रेसिपी है आप जल्दी से देख सकें। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कॉमेंट करिए फ्रेंड्स। मेरी रेसिपी को, मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए दिल से शुक्रिया। ऐसे ही वीडियो शेयर करिए, मुझे आगे बढ़ाते रहिए, थैंक यू सो मच। चने बन गया है, बनता है कैसे आपको दिखाएंगे। मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया है और पराठे से सर्व किया है। चलते हैं चने बनाने के लिए। आज हम बना रहे हैं चना। चना को मैंने ओवरनाइट इसको फुला लिया है, रात में भिगोकर ये अच्छे से फूल गया है। अब इसको हम कुकर में ऐड कर लेंगे। ऐड कर लेते हैं, इसी के साथ हम ऐड करेंगे एक चम्मच चिली पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लेंगे। ऐड कर लेते हैं, इसी के साथ हम ऐड करेंगे कटा हुआ प्याज और कटी हुई टमाटर ऐड कर लेंगे। टमाटर प्याज ऐड कर लिया है, इसी के साथ मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ तो इसके थोड़ा सा मैंने आलू, दो आलू कट करके ऐड किया हुआ है। इसको पराठे और रोटी से बहुत मज़े आती है आलू ऐड करने से। अब इसी के साथ दो चम्मच तेल ऐड कर लेंगे। तेल ऐड कर लिए, अब इसके साथ हम पानी ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेते हैं। अब चने को हम बॉईल कर लेंगे एक से दो सीटी लगाकर। चने में दो सीटी लग चुकी है। अब मैं इसकी जो पानी है इसमें, इसको हम ड्राई कर लेंगे। अब ये चना को एक बार हम टेस्ट कर लेंगे। चने में दो सीटी लगा लिया है, अब इसको चने को हम एक बार टेस्ट कर लेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसको, इसका पानी को ड्राई कर लेते हैं। पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इसी के साथ हम चने में ऐड करेंगे भुने हुए जीरे के पाउडर ऐड कर लेंगे। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पत्ता, कटे हुए धनिया पत्ता, हरी मिर्ची ऐड करेंगे। हरी मिर्ची बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। इसको भी हम ऐड कर लेंगे। अब सभी को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके एक मिनट और भून लेते हैं। भुनने के बाद मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी बनी है ना। हमारा बनके तैयार है, अब हम सर्व कर लेंगे। बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी बनी है। मेरे स्टाइल में ज़रूर से ट्राई करें। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।